गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको फिर बहिराग बागेश्वरी के बारे में बताएंगे। कल हमने अंतराविज का करवाया था पहली बार, आज फिर हम अस्थाई अंतराधुन करवाएंगे और धीरे धीरे आपकी भी समझ में ये आ जाएगा और आप भी करने लगेंगे। थोड़ा परिचय हम रोज की तरह फिर देते हैं इसमें। द्वितीय पहर निशिगानी मृदु, इसका गाने का समय रात्रि का द्वितीय पहर है। गा और नी इसमें कोमल प्रयोग होते हैं, मा इसमें मादी है और सा इसमें संवादी है। आरोह में स्वर जो है रे और पा वर्जित है। काफ़ी ठाट का ये राग है, इस राग का नाम बागेश्वरी राग है। आरोह में रे वर्जित माना गया, किंतु कभी कभी आरोह में भी मा तक जाकर लौट आते हैं, जैसे
इसको गाते गाते और बजाते बजाते पैर से भी उसकी ताली देते रहें ताकि गाना कहाँ पर चल रहा है, कितना हो चुका है, क्योंकि 14 मात्रा है इसके अंदर जिसके बोल हैं ता धी ते धी ते धा आ गे ते गे ते 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 ता आ। ये सम है का पे सम है। क्यों? इसका नाम जो है धमार ताल, वो धमार ताल इस ताल का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि प्रत्येक ताल के अंदर जो उसकी स्टार्टिंग होती है वो धा से शुरू होती है। प्रत्येक ताल में धा जो है वो सम पे होता है, लेकिन इसके अंदर धा को मार दिया गया, धा की जगह का कर दिया, तो जो का है वो खाली माता, लेकिन यहाँ खाली को ही सम माना और सम का ही निशान गुणन चिन्ह उस पर लगाते हैं या प्लस का निशान लगाते हैं। तो इसमें का जो होता हमेशा खाली होता, लेकिन इसमें का पे ही सम का निशान लगा होता तो का धी टे धी टे धा आ गे गे जो है ये खाली है तो का धी टे धी टे। यानी पहला विभाग हमारा 5 मात्रे का 1 2 3 4 5 पहला विभाग 5 मात्रे का जो सम से स्टार्ट होता है अ धीट धीट। दूसरा धा आ। फिर तीसरा खाली गे टीट। फिर चौथा टीट ता आ। चौथा विभाग हमारा 4 मात्रे का। पहला विभाग हमारा 5 मात्रे का, दूसरा विभाग 2 मात्रे का यानी 5 2 7 हो गई, और तीसरा विभाग 3 मात्रे का 7 3 10, और चौथा विभाग 4 मात्रे का 14 मात्रे का ये ठेका है। इसका नाम है धमार। क्यों धमार इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें धा को मार दिया गया, जो मार दिया गया धा को मार दिया, तो मार बाद में पड़ गया ध मार, धा को मार दिया, इसलिए ताल का नाम ही पड़ गया धमार। Thank you.
थोड़ा थोड़ा करेंगे। धन्यवाद।